इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर की, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूशन के टाइम कंट्रोल सिक्वेंशियल ना चल के किसी एक लाइन से किसी ऐसी लाइन पे जंप कर जाए जो सिक्वेंस में नेक्स्ट ना थी, ठीक है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, जैसे कि आपके पास इफ है कंस्ट्रक्ट, ठीक है, एक है गो टू, और तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि आपका लूपिंग में है, जैसे डू लूप है, डू वाइल लूप है, ये आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे आपके पास इस लाइन के बाद सीक्वेंस में इसका नंबर आता है, लेकिन अगर हम ये कंट्रोल स्ट्रक्चर देखें तो फिर आप यहाँ से जंप कर जाते हो, बीच में कोई लाइन ऐसी भी है जो एग्जीक्यूट नहीं होगी डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट का अगर आप सिंटेक्स देखो तो आपके पास है इफ ब्रैकेट में लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड देन एक सिंपल स्टेटमेंट आप लिखोगे। तो ये इफ कंस्ट्रक्ट इससे पहले वाले लेक्चर में सिंपल इफ स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है इफ कंस्ट्रक्ट है, इफ कंस्ट्रक्ट आपके पास उसका जो आपके पास अगर आप देखो सिंटेक्स वो है इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ब्रैकेट में देन लगाना कंपलसरी है एंड देन स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स, जैसे आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स ये वाली है, ठीक है। तीन स्टेटमेंट मैंने यहाँ डाली है, इफ लगाया है, इफ के बाद मैंने कंडीशन लिखी है, कंडीशन के बाद देन लगाया है एंड देन स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स, आपके पास ये तीन स्टेटमेंट आ गई, राइट, ओके। उसके बाद एल्स वाला ऑप्शनल है, अगर एल्स वाले आप नहीं चाहते कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ओके, और ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये फाल्स है तो आप चाहते कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो आप इस वाले को डालोगे, सेकंड ब्लॉक आपके पास बनेगा एल्स के बाद, ठीक है। एल्स मतलब यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन ये लिखा था वो फाल्स हो गया, और उस कंडीशन में जो आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, ओके। और इफ कंस्ट्रक्ट में एंड इफ लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। तो एल्स सेक्शन आपका ऑप्शनल है, एल्स आप तभी लिखते हो जब आप चाह रहे हो कि फाल्स होने पर आपकी ये लॉजिकल एक्सप्रेशन फाल्स होने पर आपका कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ओके, तो इस वाले प्रोग्राम में मेरे पास क्या था, मैंने एल्स डाल के कुछ स्टेटमेंट्स और लिख के दिखाई हुई हैं जो एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं वो मेरे पास ये ब्लॉक है पूरा एल्स के बाद यहाँ तक, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके पास सेकंड नंबर की है, ओके। अब है इफ कंस्ट्रक्ट आपके पास किस किस टाइप का हो सकता है। इफ कंस्ट्रक्ट एक सिंपल इफ कंस्ट्रक्ट हमने देखा था जिसमें इफ और एल्स एंड इफ जो अभी हमने देखा था सिंपल फॉर्म, ठीक है। एक होता है आपका नेस्टेड फॉर्म, एक होता है आपके पास लेटर फॉर्म, दो टाइप की फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपके इफ कंस्ट्रक्ट की उसके अलावा सिंपल के अलावा सिंपल इफ कंस्ट्रक्ट के अलावा दो एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं, एक आपके पास है लेटर फॉर्म और दूसरी आपके पास है नेस्टेड फॉर्म, ठीक है। लैडर फॉर्म में जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हो कि ये इस पायदान से आप इस पे चढ़ोगे, फिर इस पे चढ़ोगे या इस पे चढ़ोगे, या उतरते हुए भी आप सबसे ऊपर से फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, इस तरह से आप उतरते हो, ठीक है। तो लैडर फॉर्म इसी टाइप का है। लैडर फॉर्म में आपके पास क्या है, इफ आपने लिखा, लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने लिखा ब्रैकेट में, देन लिखा और उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट ब्लॉक आ जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ जो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक वन वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एल्स आप दूसरी लॉजिकल कंडीशन चेक करोगे कि अगर वो आपके पास ट्रू नहीं है, दो ब्रैकेट नहीं लगानी बेटा, एक ही लगा दी, ठीक है। तो ये एक ही ब्रैकेट है, ओके। एल्स अगर आपके पास कोई दूसरे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप चाह रहे हो कि उस वो आपकी दूसरा एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये ट्रू है, तो स्टेटमेंट ब्लॉक टू वाले एग्जीक्यूट होंगे। एल्स आप
चाह रहे हो कि वो आपका तीसरे वाला कोई कंडीशन है उसको चेक करके स्टेटमेंट ब्लॉक थर्ड वाला आपके पास एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। इस तरह से आप चलते जाओगे इस लेटर को, जितनी आपके पास कंडीशन है और जितने आपके पास केसेस है उसके अकॉर्डिंग इस लेटर को चलाओ, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ एल्स ऐसा है आपके पास कोई हो सकता है कि जिसमें आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आपके पास आपने कोई नंबर को चेक किया, एक ग्रेटर देन ज़ीरो है, एक इक्वल टू ज़ीरो है और एक लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। आपने पहली कंडीशन चेक करवा ली कि वेदर इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो या नहीं है, दूसरी कंडीशन चेक करवा ली इक्वल टू ज़ीरो है क्या नहीं है, ठीक है। और तीसरा फिर ऑब्वियसली तीसरा यही केस बचता है, चौथा कोई केस होगा ही नहीं, तो उस केस में एल्स लगा के आप लास्ट ब्लॉक लिख सकते हो और एंड इफ पूरे लैडर का एंड इफ है, ठीक है। तो जितनी आपने लैडर बनाई थी वो उसका एंड इफ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लैडर इफ कंस्ट्रक्ट यहाँ पर है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इफ लगाया, कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन जीरो 5.0 ये वाला है या नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम का ही पार्ट समझो इसको, तो ये यही प्रोग्राम है, ए ग्रेटर देन 5.0 है या नहीं है, देन लगाया, फिर आपने स्टेटमेंट ब्लॉक्स लिखे, ये आपके स्टेटमेंट ब्लॉक में आपने दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए और दूसरी स्टेटमेंट है कि आप आउटपुट करवाना चाह रहे हो बी की वैल्यू, ठीक है, थ्रू राइट स्टेटमेंट, राइट ब्रैकेट में स्टार कोमा स्टार बी, ठीक है, इसके थ्रू आप बी को आउटपुट करवा रहे हो। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो आप ये चेक कर रहे हो कि एल्स इफ ए इज लेस देन 5.0, ठीक है, मैं ये चेक कर रही हूँ, एंड ए इज ग्रेटर देन 3.0, तो यहाँ अगर ए की वैल्यू वेरी कर रही है 3.0 से 5.0 के बीच में, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तीसरा केस मैंने ये बना लिया, एल्स इफ अगर ए की वैल्यू लेस देन 3 है तो मैं चाह रही हूँ कि ये स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट हो, और उसके अलावा कोई और केस हो, ठीक है, तो आप ये लिखवाना चाह रहे हो कि दिस इज़ द लास्ट केस, हालांकि इसके अलावा कोई केस बचता नहीं है। मैंने क्या किया, ए ग्रेटर देन 5.0 के लिए एक केस बना दिया, एक केस ये बना दिया, और तीसरा केस जो बचा वो आपके पास ए लेस देन 3.0 का बना दिया, तो तीन ही कंडीशन बचती है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैंने लिख दिया कि एल्स आप लिखोगे दिस इज़ द लास्ट केस, ओके। और ये पूरे ये एंड इफ पूरे लेटर का एंड इफ है, ओके, समझ में आ गया, क्लियर करके दिखाएं। फर्स्ट मेरे पास ये है ए ग्रेटर देन 5.0, देन राइट प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 5.0 कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, ये मैंने कर लिया, ये पूरा एक ब्लॉक बना लिया मैंने स्टेटमेंट्स का, ये स्टेटमेंट्स का, ठीक है। एल्स वाली में मैं लेटर डाल रही हूँ, एल्स इफ ए इज लेस देन, लेस देन लिखने का तरीका है डॉट लगाओ, एल टी लिखो फिर एक और डॉट लगाओ, ठीक है, लेस देन 5.0 ओके, एंड एक आपके पास लॉजिकल जो है ऑपरेटर है, एंड लगाया और फिर लिखा ए इज ग्रेटर देन जी टी डॉट लगा के 3.0 ओके, और ये कंबाइन एक ब्रैकेट बंद देन, तब क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर ये भी ट्रू है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, उसी केस में इस लॉजिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आएगी, और अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आए तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास a इज लेस देन 5.0 है और उसके साथ साथ a इज ग्रेटर देन 3.0 है,
उसी केस में जो यहाँ मैं वैल्यूज़ लिखूंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, जो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखूंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ एक वैल्यू, प्रिंट स्टार कोमा, यहाँ तक की कंपलसरी आपके पास जो है। और इसमें लिखवा रही हूं मैं ए इज ग्रेटर देन 3.0 एंड लेस देन आपके पास 5.0। ठीक है, ये कोर्स में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तो एक और मैं इस पे एल्स केस बना लेती हूँ। एल्स एक ही केस बचता है, ए ग्रेटर देन 5.0 है तो पहले वाले जो स्टेटमेंट्स की मैंने लिखी थी वो एग्जीक्यूट होंगी, पहले ब्लॉक वाली। अगर आपके पास ए की वैल्यू 3.0 से 5.0 है तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स थर्ड केस, अगर ए की वैल्यू लेस देन 3 है तो ये आपका थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैं लिख देती हूँ प्रिंट स्टार कोमा और कोट्स में ए इज लेस देन 3.0 कोट्स क्लोज। ठीक है, और लास्ट में इसका एंड इफ लेटर का ये एंड इफ आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास आके लेटर यहाँ क्लोज हो गई है, ये लेटर का एंड इफ है, लेटर यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पर क्लोज हुई है। ठीक है, और सबसे लास्ट में फिजिकल एंड ऑफ प्रोग्राम, जो मैंने यहाँ ये स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज फिजिकल एंड ऑफ प्रोग्राम, ये लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, तो अब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कंपाइल किया, यहां पे ये मिसमैचिंग है, ठीक है, ओके हो गया सक्सेसफुली कंपाइल और अब इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब ये जहाँ रुका हुआ है वो आपका सबसे पहले यहाँ रुका हुआ है कि इसको रीड करनी है ए की वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड लाइन यहाँ पर रुका हुआ है तो मुझे सबसे पहले ए की वैल्यू इनपुट करवानी होगी। क्या डालूँ बेटा मैं, एक केस 7 डाल देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, जैसे ये थर्ड लाइन पर आया इसने कंडीशन चेक की वेदर ए इज़ ग्रेटर देन 5.0, ये ट्रू हुई तो इसने क्या किया कि ये जो हम स्टेटमेंट लिखी हुई थी 3 इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवाया था, ए इज ग्रेटर देन 5.0 कंडीशन इज ट्रू, ये लिखवा लिया। ठीक है, सेकंड आपने इसमें करवाया था कि बी की वैल्यू कैलकुलेशन करवाई थी, बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए, तो क्या इसमें हुआ कि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपने राइट हैंड साइड में लिखा था वो इवेलुएट हुआ और इसकी जो भी वैल्यू है वो असाइन हो गई बी वेरिएबल को। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आपका केस, क्योंकि ये वाला फाल्स था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस ब्लॉक, ये ब्लॉक आपका स्टेटमेंट का था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भी नेक्स्ट केस ये भी फाल्स था तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपका जो आपने यहाँ लिखा हुआ था ये एग्जीक्यूट हो गया। तो आपकी प्रिंटिंग ये हुई, कैलकुलेशन ये हुई और उसके बाद प्रिंटिंग वैल्यू बी की हुई, तो ये वैल्यूज आपकी आ गई एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, दोबारा एक और केस देख लेते हैं। इसमें ए की वैल्यू मैं क्या डाल दूं, 2.2 डाल दूं। ठीक है,
ए की वैल्यू जैसे ही मैंने 2.2 डाली तो एल्स के बाद जो आपने ये लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया ए कोमा 3.0, ठीक है ओके। अगर मैं ए की वैल्यू 3 और 5 के बीच में डालूंगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो ये आपका था लेटर ए। अब है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या है कि आपने एक सिंपल इफ कंस्ट्रक्ट बनाया और इफ कंस्ट्रक्ट के अंदर ही एक और नया इफ कंस्ट्रक्ट बना दिया, ठीक है। तो जो आपकी स्टेटमेंट थी ब्लॉक वन की, ये स्टेटमेंट ब्लॉक वन में इनके पास कोई भी इफ कंस्ट्रक्ट नए वाला हो सकता है या कोई इफ स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से आपके एल्स के बाद आपने जो स्टेटमेंट ब्लॉक टू लिखा था, इसमें भी आपके पास कोई नया इफ कंस्ट्रक्ट हो सकता है और उस या इफ स्टेटमेंट हो सकती है। ये वाला एंड इफ इसका एंड इफ है, ठीक है। और अगर आप कोई नया इफ कंस्ट्रक्ट बीच में किसी भी स्टेटमेंट ब्लॉक में बना रहे हो तो उसका एंड इफ अलग से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मैंने आपका है, अगर यहाँ पर आपके पास ए ग्रेटर देन 5.0 है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप ये करवा रहे हो कि ये आपको लिखना है कि आप लिखवाओगे ए इज ग्रेटर देन 5.0 कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और आपने ये कैलकुलेट करवा लिया, ठीक है। एल्स आप करवा रहे हो एल्स आपके पास ये कंडीशन फाल्स हो रही है तो आप प्रिंट करवा रहे हो कि ए की वैल्यू जो है दैट 5.0 कंडीशन इज फाल्स, ओके। और अब आप क्या करवा रहे हो, आप ए रीड बी करवा रहे हो, बी की वैल्यू आप यूजर से मांग रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक और इफ कंस्ट्रक्ट बना लिया इस वाले ब्लॉक में, एल्स के बाद जो आपके पास आ रहा था उस वाले ब्लॉक में। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, इसमें ये एक आपका नया इफ कंस्ट्रक्ट है, ओके। तो इस इफ कंस्ट्रक्ट में मैंने क्या किया कि अगर बी ग्रेटर देन 30 है देन आप ये प्रिंट करवा लो कि बी ग्रेटर देन 30 कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये इसका एंड इफ। और दूसरा एंड इफ जो आपका ओरिजिनल इफ कंस्ट्रक्ट था जिसके अंदर आपने ये आप इफ कंस्ट्रक्ट बनाया है, उसका एंड इफ होगा, ओके। तो ये क्लियर, ओके। और ये लास्ट में फिजिकल एंड ऑफ प्रोग्राम, तो इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अभी ये कहाँ अटका हुआ है इस प्रोग्राम में, इसको सबसे पहले ए की वैल्यू रीड करवानी इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। तो ये ए की वैल्यू रीड करवाने के लिए मैंने ए की वैल्यू सपोज डाल दी इसमें 3.2, ठीक है। तो इसमें आया ए ग्रेटर देन 5.0 कंडीशन इज फॉल्स, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। फिर अब ये क्या करेगा, इसको बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू अब मुझे इनपुट करवानी है, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको बी की वैल्यू चाहिए, ओके। तो बी की वैल्यू सपोज मैं डाल देती हूँ 50.2, ठीक है। 50.2 डालते ही इसमें क्या हुआ है, नया जो इफ आपने कंस्ट्रक्ट यहाँ बनाया हुआ था ये एग्जीक्यूट साथ में हुआ है, ठीक है। और इसमें आपने इसके ये ट्रू हुआ है, तो इसके अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। ये एंड इफ इस वाले इफ कंस्ट्रक्ट का है और ये एंड इफ जो ओरिजिनल जिसके अंदर आपने इसको नेस्ट करके बनाया है उसका है, इसका है, इस वाले का, ठीक है, ओके, क्लियर।